महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन बेहद खास रहेगा। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर की वजह से विवादों में घिरे गृह मंत्री अनिल देशमुख की किस्मत का आज फैसला हो सकता है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहता है तो मैं आगाह करता हूं कि आप अपनी ही आग में जल जाएंगे। परमवीर सिंह के इस दावे को एनसीपी के बड़े नेता महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने खारिज कर दिया है। मलिक का कहना है कि परमवीर सिंह ने पद पर रहते हुए ये बात क्यों नहीं बताई। बता दें कि हटाए जाने के बाद परमवीर सिंह ने सीएम को चिट्ठी में लिखा है जिसमें आरोप लगाया है कि गृह मंत्री वाजे के जरिए हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली चाहते थे। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटों में 47,000 संक्रमित मिले हैं जबकि 21,206 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं 213 मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह एक दिन में ही एक्टिव केस की संख्या 28,653 बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में शोपियां में सोमवार सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सभी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे। इलाके में 2 आतंकी और छुपे होने का अनुमान है, उनकी तलाश की जा रही है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान को कैच द रेन कैंपेन का नाम दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों को सूखे से राहत मिलेगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर विवादों में हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा किए उन्हें लॉकडाउन के दौरान सरकार से ज्यादा राशन मिला। वहीं दूसरे बयान में रावत ने कहा कि भारत को अमेरिका ने 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा था। तीरथ ब्रिटेन की जगह अमेरिका बोल गए। बीकानेर में दम घुटने से 5 बच्चों की जान चली गई। सभी की उम्र 8 साल से कम है। हादसा बच्चों के लुका छुपी खेलने के दौरान हुआ। बच्चे छिपने के लिए घर में रखी अनाज की टंकी में बंद हो गए। इसके बाद कोठरी का ढक्कन अचानक बंद हो गया। दम घुटने से सभी की मौत हो गई। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 23 मार्च को 11 बजे प्रदेश के सभी शहरों में सायरन बजेगा। जो जहां है वहीं 2 मिनट खड़े होकर मास्क लगाने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का संकल्प लेगा। राहुल गांधी ने एक ट्विटर पर बीजेपी का अखबार में एक विज्ञापन साझा किया। इस विज्ञापन के आधार पर ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने लिखा है कि बार बार दोहराने पर भी झूठ झूठ ही रहता है।